सरदार शहर की पूजा सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूजा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शहर की युवतियां सड़कों पर उतर आई हैं। शुक्रवार को शहर के चौधरी कुएं के पास बड़ी संख्या में युवतियां एवं महिलाएं एकत्र हुई। ये युवतियां रैली निकालते हुए SDM कार्यालय पहुंची, जहां SDM रीना छीपा को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूजा को न्याय दिलाने की मांग की। बड़ी संख्या में एकत्र हुई शहर की युवतियों ने ज्ञापन के माध्यम से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। रैली के दौरान आक्रोशित युवतियों ने पूजा को इंसाफ दो तथा पूजा के हथियारों को फांसी दो जैसे नारों के साथ जमकर नारेबाजी की। युवतियों का कहना था कि पूजा के हथियारों को ऐसी सजा मिले ताकि दूसरे भी उससे सबक लें, ताकि जो पूजा के साथ हुआ वह किसी अन्य के साथ ना हो। लोग ये चाहते हैं कि पूजा को न्याय मिले और जो आज उस पूजा के साथ हुआ है वो आगे किसी और लड़की के साथ ना हो। क्या कुछ घटना थी? वो यहाँ से दिल्ली गई, 9:30 बजे लगभग वो दिल्ली पहुंची, 10:30 बजे उसने आंटी जी को कॉल किया और बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। जस्ट 2 मिनट के बाद में उसका फोन बंद आता है और थोड़ी देर के बाद में यह कहा जाता है कि पूजा ने सुसाइड कर लिया। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसे सुसाइड कर ले, और मैं तो ये मानती भी नहीं कि मेरी फ्रेंड ऐसे सुसाइड कर सकती है। आपका नाम? पूजा सैनी। मतलब इंसाफ के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी मतलब पूजा के साथ हुआ है वो आज किसी भी लड़के के साथ हो सकता है। इसी प्रकरण में हम यहाँ खड़े हैं कि पूजा को इंसाफ मिले और उस हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी मिले, मतलब उसको पकड़े, पुलिस कुछ तो कार्रवाई करे कि उसको पकड़ के लाए। मतलब मामला तो ये दिख रहा है कि पैसों के चलते मतलब सब कुछ बंद हो रखा है, कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, और ये बोला जा रहा है कि दिल्ली में हत्या हुई है तो वहाँ जाके वहाँ की पुलिस कुछ करेगी। तो मतलब यहाँ भी तो है ना पुलिस, यहाँ भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि आज जो बेटी है मतलब आगे भी तो मतलब हमको सोचना चाहिए ना कि उसको न्याय मिले, पूजा को न्याय मिले, हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपको बता दें कि गत 7 जून को पूजा की अपने ससुराल दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पीहर पक्ष के लोगों ने पूजा की मौत को हत्या करार देते हुए पूजा के पति सूरज पर आरोप लगाया था कि उसने पूजा की हत्या के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया है। पूजा के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है।